अब तो सबके सामने है, अब तो सबको पता है, तो अब उसको बेचारी को क्यों पीटना है, उसको से दूर रहते हैं थोड़े दिन, उसको भी आराम करने दीजिए। नेक्स्ट सिलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी, फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से दिखाएगी। पिछले 20-22 इलेक्शन से ऐसी रिजल्ट दिखा रही है सरकारें, एक जगह से दूसरी जगह बदलती चली जाती हैं पूरे राज्यों में, बहुत सारों में। तो उसका शायद मुहूर्त जब जन्म हुआ था ऐसा था कि उसको गाली खानी है, लेकिन वो बहुत भरोसेमंद चीज है, वो हर प्रकार से तटस्थ हो चुकी है और वो अपना काम करती रहती है। सर, एक नतीजा और पेंडिंग है जयराम रमेश का, जिन्होंने तमाम सवाल उठाए थे, उस पर फैसला लेना बाकी है। उन्होंने टाइम भी मांगा था, भाग गए थे वो एक हफ्ते के लिए, इलेक्शन रिजल्ट आ जाए उसके बाद जो है हम उस पर अपना जवाब। अब इलेक्शन की जो रिजल्ट्स आ गए, अब हम एमसीसी को अभी एक घंटे के अंदर अंदर उठा देंगे, अब उसकी उसकी कोई विवेचना और वो बात करने से कोई नतीजा नहीं है। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।